What's up, fellas, and welcome back to another interesting episode of Esports 360. आज के एपिसोड में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं BGMI के बारे में एंड क्या क्राफ्टन इज ट्रांसफरिंग द BGMI डाटा टू द न्यू सर्वर्स. देन वी विल टॉक अबाउट टू साउथ एशियन टीम्स जिनको PUBG मोबाइल ईस्पोर्ट से एक साल का फैन मिल चुका है. उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं Ubisoft के बारे में बिकॉज दे आर लॉन्चिंग मल्टीपल टाइटल्स ऑफ Assassin's Creed including a mobile one. And at the end, we'll talk about Cyberpunk because Cyberpunk 2077 में एक new DLC expansion हमें देखने को मिलेगा. नजर डालेंगे एक sneak peek के ऊपर of the trailer. मेरा नाम है शिवांश फीनिक सिंह. आप देख रहे हैं Esports 360. What's up, ladies and gentlemen? स्वागत है आप सबका Esports 360 के एक और नए और मजेदार episode में. नए लीक्स बाहर आए हैं एंड दे सजेस्ट कि क्राफ्टन BGMI का डाटा न्यू सर्वर्स में ट्रांसफर करने वाला है. एक लीक वीडियो से हमें पता चल रहा है कि क्राफ्टन गेम का पूरा डाटा न्यू सर्वर्स में शिफ्ट कर सकता है. BGMI को बैन ऑर्डर मिला था रिसेंटली क्योंकि अथॉरिटीज सस्पेक्टेड कि गेम के सर्वर के साथ कोई चाइनीज कनेक्शन है. अभी प्लेयर्स गेम को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर डाटा इज ट्रांसफर टू द न्यू सर्वर्स, कम्युनिटी आशा कर रही है कि गेम जल्द से जल्द वापस आ जाएगा. अब लीक सही है या गलत ये तो वक्त ही बताएगा. Phoenix Esports and 18 Plus को मिल चुका है एक साल का बैन from the PUBG Mobile Esports while they were competing in the PMPL C Fall Championship. Officials ने notice किया कि day 2 के 4th match में दोनों टीम के players team up कर रहे थे. जिनको team up क्या होता है नहीं मालूम, बस ये समझने के लिए match में एक टीम दूसरे टीम से दोस्ती कर रही थी. Team up करने से बाकी teams पर unfair advantage मिलता है and इस कारण इसको cheating माना जाता है in the competitive scenario. 18 Plus ने not guilty का स्टेटमेंट दिया है एंड टेंसेंट पर जालबाजी में बैन देने का आरोप लगाया है. अब ये एक साल का बैन हटेगा या नहीं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा. Okay, so this one is my favorite because नए लीक्स के मुताबिक Assassin's Creed के कुछ नए टाइटल भी आ सकते हैं एंड उनमें से एक मोबाइल वर्जन भी हो सकता है. Ubisoft Forward 2022 एक लाइव इवेंट होने वाला है ऑन सितंबर 10th 2022. लीक्स बाहर आए हैं कि दे सजेस्टेड Ubisoft विल बी रिवीलिंग न्यू Assassin's Creed टाइटल्स. Assassin's Creed Mirage लास्ट वीक ऑलरेडी लीक हो गया था. नए इंफॉर्मेशन के अनुसार Ubisoft एक मोबाइल टाइटल भी डेवलप कर रहा है. अब मोबाइल में ट्रिपल ए कैंपेन टाइटल्स यूजली आते नहीं है, बट अगर ये लीक सही निकला फिर मोबाइल गेमिंग में एक नई दुनिया की शुरुआत होगी. जिन्हें Ubisoft Forward देखना है वो 10 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट या फिर YouTube और Twitch में लाइव देख सकते हैं. Cyberpunk 2077 का पहला DLC एक्सपेंशन रिवील हो चुका है. आइए नजर डालते हैं इसके ट्रेलर के ऊपर. Repeat after me. I V do solemnly swear. I V do solemnly swear that I shall faithfully serve the new United States of America. That I shall faithfully serve the new United States of America. On behalf of all Americans, I thank you for your service. You know, taking that oath. Bad idea. तो ये था आज का एपिसोड ऑफ Esports 360. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. इफ यस, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा बिकॉज जब भी कोई नया एपिसोड आए सबसे पहले आपको पता लग जाए. दिस इज शिवांश फीनिक्स सिंह साइनिंग ऑफ.